सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करतनी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करतनी, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करतनी, धरती पर बैठल धरती माता के प्रणाम करतनी, सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम करते हैं, वहाँ प्रणाम स्वीकार होके। आई दीदी आप लोग के बीच में वो कथा लेके आई बनी, बहुत अच्छा कथा बा, आप लोग देखी, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें। तो देखिए दीदी, एगो गांव में एगो औरत रहत रहली, उनकर दूगो बेटा रहे लोग, दूगो बेटा दूगो बहू रहे लोग। आई कबो भगवान के पूजा ना करे रहली, कबो भगवान के पूजा पाठ करबे ना करे, इनकरा मने ना करे भगवान के पूजा पाठ करे के। धीरे 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 देखी बूढ़ा अवस्था आयल, यही चलत रहे, धीरे 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 बुढ़ापा आयल। जब बुढ़ापा आयल तो एक दरी सब अपन क्रियाकर्म करे लगली, अब उठ जाओ नहीं, बोल जाओ नहीं, हाथ गोड़ कांपे, बुढ़ापा आ गई रहे। का भइल कि कुछ दिन तो जौन बहु लोग रहे देखभाल कइल, आ ओकरा बाद से देखभाल कइल छोड़ देलस। का कर बूढ़ा बेचारा, एक ही बिस्तर पे सुतल रह, वही पर सब लैट्रिन बाथरूम सब करम। एक दिन का भइल दीदी, पतो झाड़ू लगावत रहे, आई का कैले रहली लैट्रिन बाथरूम सब कर दिले रहली, वही पर उनके अंदाज ना मिलल कि हमरा के का करे, एक बार सब क्रियाकर्म अपन वही पर कर दिले रहली। तब पतोया झाड़ू पोछा करत रहे बड़की, तो कहलस कि छोटकी से कि छोटको पता नहीं काहे ना अम्मा जी के बिछनवा पर बड़ा बदबू देता। तो ऊ कहली कि दीदी चूहा हुआ मरल हो ऐसे बदबू देता, अतना ही बहुत ज्यादा बदबू देता, बहुत गंदा लगाता, आके देखा ना महका ना, बहुत महकता, बहुत गंदा महकता। कहली मार अब का हम महके जाई, आ चूहा हुआ मरल हो उनिये, आ बूढ़ा के कुछ पता होता नहीं के चलत उनिये मरल हो। का भइल दीदी कि अब धीरे धीरे दू दिन चार दिन भइल तो बदबू औरी होके लागल, काहे से कि बूढ़ा ना उठ ना चल ना एक के जगह सब क्रियाकर्म करम। फिर एक दिन का भइल बड़की पतो पोछा लगावत रहे, पोछा लगा के जब उठल तो देखलस कि जब कर घूमली बूढ़ा तो देखली पूरा लैट्रिन क के पूरा बिछौना में पूरा गंदा भइल बा। अब जब देखली तो कहली ये छोटको हेने आवा हई बुढ़िया खाली खाए के जानती है, खाए खाती एक हाथ उठ जाता, आ हई लैट्रिन करे के बाथरूम करे के नहीं के जानत, देख बिछौना पर लैट्रिन बाथरूम कर दिले भी इतना गंदा महकता, तो कहत रहनी है कि कुछ तो कुछ महकता, देख ये लैट्रिन कर के बुढ़िया फेंकले बिया। अब का कैलो दोनों जेठान देवरान काना फूसी कई लोग अपने में राय पटरी कह के कहलो कि देख छोटकी अब एक ही उपाय बा, बुढ़िया के खाना पानी रोक देवे के, अब बुढ़िया के खाना पानी देवे के नहीं। तो छोटकी कहलस कि अगर रोक दे तो बुढ़िया तो मर जाए, आ तो मर जा। फिर का भइल दीदी धीरे धीरे छोटकी कहलस कि नहीं रहे द द खाना। फिर का भइल कि बड़की कहलस नहीं खाना ना दियाई, खाना दियाई तो फिर खइह आ फिर एक जगह सब कर्म करी के साफ करी। कहली अच्छा ठीक बा दीदी, अगर जिंगा कह तरुआ तारा ठीक लागत तो यही हो। दोनों जेठान देवरान मिल के आ राय पटरी कैलो, बूढ़ा के खाना देवे के बंद कर दिलो, कहलो ना खाना दिए ना बुढ़िया कुल कर्म करी। उनकर लड़का बाहर से अलन अलन तो जैसे खटिया पर बैठ तरन जब महक आई लगना उल्टी करे, अब उनकर लड़का जब उल्टी कैलन तब इनकरा के विष बढ़ गई कि आखिर काहे इतना बसा था। और जब उल्टी भई तो बूढ़ा से बूढ़ा के पतो रहे कहली कि उ कहलन उनका बेटा कि हे जा का बा हो कि इतना बसा था ये वजह से हमको उल्टी भइल ह, कब साफ ना करे लोका। उ कहली का साफ करे के तो अरमाई पर लैट्रिन बाथरूम कैले बड़ी, उ के साफ करी। देखी दीदी एगो बूढ़ अवस्था जब हो जाला, बुढ़ापा आ जाला, तो एगो माई बोझ हो जाली, उनकर मर्द ना रहलन आ वो अकेले बेचारी रहली, मर्द मर गए रहलन, बुढ़ापा आ गए रहे। आ देखी जब बच्चा छोट रहेला तब महतारी लैट्रिन करेला, बच्चा बाथरूम करेला,
महतारी सब साफ कर ले कबो घिनाले नाही। लेकिन जब तनी बूढ़ा अवस्था आ गई तो लोग ओकरा के साफ ना करे ओकरा के और खाना पानी रोक के आओ के सासत देवे लागल लोग। बताई दीदी एगो महतारी अपने बच्चा के लैट्रिन बाथरूम तो साफ करबे करे ले ना तो ओकरा काहे ना घिन आवेला काहे काहे से कि जोन बच्चा बा ये सोच के महतारी करे ली कि चल आज हम कर तनी बुढ़ापा आई कोनो हमरा से गलती होई चाहे कोनो दिक्कत होई बीमारी होई हमरा के कोनो बात होई तो हमार बेटा पतोई हमरा के करी है सर। बेटा बेटी देखी दीदी यही खाती आदमी जन्मावेला कि आज हमार जवानी बा आज बच्चा खाती पाल पोस के बड़ा कर तनी आगे चली हमार बच्चा जब हम बुढ़ापा हमार आई तो हमार बच्चा हमार सेवा करी। लेकिन यहाँ देखी वो दोनों पतोई का भइल इतना घिन्ना लो और तौर जौन लड़का रहल उहो ऋषिया गइलन आ ऋषिया के कहलन कि घर से इनके बाहर निकाल दलो घर से बाहर निकाल लो खाए के जानतिया आ लैट्रिन बाथरूम करे के नहीं जानत इनका लैट्रिन बाथरूम के साफ करी। देखी दीदी हाथ पकड़ के लड़का का कैलन बाहर कह दिलन महतारी के एक तो पतोई का कैले रह लो चार पाँच दिन से खाना रोक दिले रहे लो बेचारी खाना ना खेले रही आ लड़का का कोई नरिसिया के महतारी के बाहर निकाल देला। देखिए दीदी जब लड़का बाहर निकलना तो महतारी के बड़ा दुख भइल महतारी रोवे लगली एक बार ना सोचा लो आ पतोइयो एक बार ना सोचा लो कि महतारी के सास के चार दिन से खाना नहीं दिया चार पाँच दिन से खाना नहीं दिया तो बूढ़ा चलिया केगा फिर केगा। देखी पतो तो दूसरे घर के रहली कहल जाला कि अगर आपन सही रहे तो एगो महतारी के अपने घर में रानी बना के रखी लड़का अगर लड़का सही रहे तो अपने महतारी के रानी बना के अपने घर में रखी पतो के का ले ले बलू पतो तो दूसरे के बेटी है लेकिन लड़का तो अपन हाँ लड़का के तो समझ होके के चाहे। देखी दीदी का भाई कि पतो और लड़का दोनों जाने मिल के सास के बाहर निकाल दे हलो बेचारी अब किंग जाना चल पावा ना फिर पावा काहे से कि अब उनके जो बुढ़ापा रहे बुढ़ापा ज्यादा आ गई रहे चल फिर पावा नहीं बोल ना पावा कुछ ना कहली बेचारी चल तो पावा नहीं कहली हम जाइब किंगा हमार लड़का तो हमके बाहर निकाल दे हलो का कहली बेचारी बूढ़ा घुसुक के चल तो पावा नहीं घिसनी काट काट के घिसनी काट काट के एगो बगीचा में गई वो बगीचा में बेल के पेड़ रहे वही सिरफले के पेड़े के लगे सिरफल के पेड़ रहे दीदी वही सिरफल के पेड़े के नीचे बैठ के खूब रोवत रहली कहली हे महादेव कबो हमरा और पूजा तो ना कैनी बुढ़ापा आ गई कबो पूजा ना कैनी लगा था हमरा कि वही के सजा उरा हमरा के देता नहीं बाकी पूजा ना कैनी तो का करी महादेव कबो हम केहू के गलत ना कैनी हे महादेव हम कबो केहू के साथे गलत नहीं कैले केहू के बाल बच्चा के अनदेखा नहीं कैले अगर खात रहत रहनी हाँ तनी मनी रही तो वही में से बच्चन के दे देव केहू बुजुर्ग आई तो के दान कर देव आज देखी हमारे साथे कौन दशा होता हमरे पतो ही लोग हमके निकाल देले बालो बाहर का भइल जब रोवत रहली कही कही के महादेव के महादेव का कहनी बूढ़ के भेज द के महादेव ऐनी हो जा आया के बहुत धूप रहे महादेव का कहनी लाठी ले ले रहनी आया के जब बैठनी कहनी बड़ा धूप लागता हो ए बूढ़ा तू कहे जा बैठल बड़ू इतना घाम बा ए घामे में बगीचा में का करत रू कहली ए बाबा कहती तो अपने दिल के कोनो बात रौरा से कहती रौरा तब बूढ़ बानी हमार बात रौरा समझब महादेव कहनी कि हाँ हाँ कह का बात बा अते बाबा देखी ना बच्चा के पाल पोस के बड़ कैनी गुह मुत कैनी कि हमार लड़का बड़ होई तो हमारे बुढ़ापा के सहारा बनी लाठी बनी आया जैसन दिन हो गई बा कि बुढ़ापा आ गई हमार कुछ हमरा सूझत नहीं खे हमरा कुछ बुझेते नहीं खे गुह मुत जोन बाटे
एक ही दरी कह देता नहीं, हमारा समझ नहीं के आवत। बताई वो बच्चा भी तो छोट रहे तो वो तो एक दरी गुमुत करत रहे, सब हम तो करत रहे। लैट्रिन कर दे, बाथरूम कर दे, यहाँ तक शरीर पे भी कर दे तो उसके साफ कर दी। लेकिन आज हमार बुढ़ापा आ गई बा, हमारा पता नहीं कि चल पावत आ हम लैट्रिन बाथरूम अपन क्रिया करम एक दगे कर दे तनी। पतो या बेटा मिल के कोसत रहो, पतो ही हमके चार दिन से खाना ना देली। बाबा ये मत सोचब कि हम खाना खाती कहतनी, रोज से एगो बात कहतनी कि चार दिन हो गए हमार पतो ही हमरा के खाना ना देहल लो। कहल लो कि खाना देब तो बूढ़ा का करी कि खई हाँ आ एक दरी सब गुमुत करे के पड़ी। इनकर खाए खाती इनकर हाथ बाटे, करे खाती इनकर हाथ नहीं। बड़ी हमरा के कोसल लो बाकी हम कुछ बोलने ना बाबा, बुढ़ापा आ गए हम का करब। बाबा कहलन कि अच्छा का करबू, बुढ़ापा इहे है। यही से कहल जाला भगवान के भजन कीर्तन करे के चाहिए। कहली बाबा हम तो कबो महादेव के भजन ना कैनी, और तो और देखी उ तो दूसरे के घर के है सन, पतो लैको तो हमारा अपन हम सन, लैको हमार हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंक दिलस। कलस जो जाके उनिये कहीं मर बिला जाइए, एक दरी गु मुत कर एक दरी सब करत और क्रिया करम हम तार साफ करे के हमने के। हाँ अब ये रह गई बा कि बूढ़ हो गईलू अपन, तारा बुझात नहीं के इतना उम्र तार बीत गई आ एक दरी गु मुत कर तरू। सब बच्चा पतोए मिल के हमरा के बाहर फेंक दिलस बाबा। बड़ा कष्ट हमके होता है आज कि बतावा गुह मुत कैनी लैका के शरीर पर लैट्रिन कर दे, कहीं भी लैट्रिन कर दे साफ कैनी। आज बुढ़ापा आ गई हमारा कुछ सूझत नहीं कि आज हमारे लैका हमके घर से बाहर निकाल दे। बाबा कहनी छोड़ा जाए द उ सब बात, आ एक काम कर चल हम तारा के एगो कुटिया देतनी, हमार कुटिया बा वही कुटिया में रही है आ भोलेनाथ के भोजन करी है। खाली भोलेनाथ के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय के जाप करी है वही में रही है। खाली अब का करे के बा, बुढ़ापा तो आइए गई हमरा ये करही के बा, का कैली बेचारी वही कुटिया में बैठ गई आ बैठ के लगली नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय के जाप करे। महादेव कृपा कैनी जन बुढ़ापा अवस्था रहे, जन पगले के भेष रहली आ गु मुते कई दरे करे के पड़े, वो सब ठीक हो गई, तबीयत में सुधार हो गई। तनी ज्यादा बुढ़ापा हो गई रहे, तनी टाइट हो गई बुढ़ापा जन बाटे कम हो गई आ तनी जवान दिखे लगली बूढ़ा, आ उम्र जन बाटे लागे कि अब 50 साल के हो गई 60 साल के। उ रहली 90 साल के आ धीरे धीरे भगवान की कृपा भइल हो गई 60 साल के। 60 साल के हो गई तो तनी शरीर में फुर्ती आ गई, का कली सुबेरे उठा महादेव के भक्ति भजन कर। आ महादेव कहनी कि अब देख कितना बुढ़िया के ई शासत कैले बड़ सन, अब एकनियो के भी हम शासत करब। महादेव परीक्षा लेहनी आ इनकरियो बाल बच्चा भइल लोग, जन पतोहा रहे लोग उनकर बेटा पतोह के लैका भइल लोग, लैका धीरे 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 सयान भइल लोग, सयान भइल लोग तो का भइल उ तो बेचारी अपन जिंदगी काटत रहली। महादेव के कृपा से उ अपन जिंदगी काटत रहली बेचारी, वो कुटिया में भजन कर महादेव के आ नमः शिवाय के जाप कर। इन्ने का भइल लोगन के बच्चा सयान भइल सन, जौन बेटा पतोई रहे लो उनका बच्चा सयान भइल सन, बियाह भइल शादी भइल पतोई आई। इन बड़ा खुश रहे लो कि चलो अब हमार पतोई आ गई, अब तो हमके बनाए कि आई हम अपन ऐस की जिंदगी जियो। का भइल दीदी कुछ दिन तक खाई लो पियो लो, जब बुढ़ापा ये लोगन के भी धीरे धीरे आवे लागल तो वो उनकर तो ज़्यादा बुढ़ापा आ गई रहे, लेकिन ये लोगन के भी जवानी रहे दीदी। तब भी का भइल कि महादेव इन लोगन के परीक्षा लेहनी, ये लोगन के सबक सिखावे खाती का कहनी कि ये लोग भी वही करे लागल हो। एक ही दरी लैट्रिन बाथरूम करे कह दिया लोग, जब लैट्रिन बाथरूम करे लागल लोग तो इन लोगन के लड़का जन रहलन कहलन कि पतोहा कहली कि उनकर जन पतोई रहली बूढ़ा के पतोई कहली कि
ए जी सुनतनी, हौरा और माई एके दरे लैट्रिन बाथरूम कर तरीके साफ करी। तो उन्हों के लड़का ये कहतरन गैलन अपन माई के लगे, कहलन ए माई अरे का कर तरु एके दरी सब कर्म कर तरु, बताओ ठीक लगेला एके दरी सब कर्म कर तरु, हमार मेहरारू सब करी, हमार मेहरारू कुल ना करी, अपने हाथे उठा साफ कर। का कैली उठली साफ कैली, साफ क के फिर सुतली फिर भइल। अब धीरे धीरे यहाँ करे लगल बिस्ती और लैट्रिन बाथरूम जौन रहे, धीरे धीरे यहीं चले लगल इहो लोग अपन बिस्तरे पे ही लैट्रिन बाथरूम कह देवे लोग। अब का भइल कि इनकर लड़का एक दिन आई ना जौन बूढ़ा के नाती रहना, बूढ़ा के नाती आई ना रिसिया के कहना कि तह लोगन के खिएबो करी या तह लोगन के लैट्रिन बाथरूम साफ करवाए फिर मेहरारू से, हमारे घर में से चल जालो फिर अयल मत हमारे घर में। का भइल कि एक कह के गई ना लोग गई लोग नाही आई ना लड़का बूढ़ा के लड़का अलन तो कहलन कि मेहरारू उनकर जौन रही कहली कि ए जी देख तनी इतना पलनी पोसनी बड़ कैनी आया जा हमार बूढ़ा अवस्था आवता धीरे धीरे एक दरी कुल कर्म कह देतनी तो हमार लड़का हमके घर से बाहर भगावे के कह तरसन, कह तरस घर के बाहर चल जालो अहल मत घर में रही लो मत। ए जी देखी ना इका कह तरसन। तब लड़का के दिमाग में आई कि जौन हमनी के अपने माई के साथे कैले रहनी के वो कुछ और नहीं कर सकत, जौन हमनी के अपने माई के साथे कैनी के उहे बच्चा हमार हमनी के साथे करत तरसन। का भइल कि कहना अच्छा चलो हम समझाई, फिर जौन बूढ़ा के नाती रहलन कहीं से अलन अलन तो कहलन हो तो हलो अपन गैल लो ना ही हमारे घर से आँ तो लोगों के लैट्रिन बाथरूम हम साफ करे खातिर बानी, हमारे घर से जा लो जल्दी निकल लो हमारे घर में अह लो मत। का भइल कि नहीं निकल लोग रिसिया के उनकर लड़का अलन आ का कैलन अपने माई बाप के हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंक दिलन, कहना ये से निकल जा लो चारों जानी चल जा लो फिर अह लो मत। अभी लोग चारों जानी चल गई लोग कहल लो उनकर लड़का कहलन कि चलो जौन दशा हमनी के अपने माई के कैनी के उहे दशा हमार लड़का हमनी के कह दिल सन, चल अब देखल ना हमार माई कहाँ बिया। तो कहली कि अब ले तो बूढ़ा मर भी ला गई हुई है कहाँ जोहल जाई। तो लड़का कहलन सब तही लोगन के देन बा जौने के वजह से आज हमार माई हमनी से दूर बिया। तब देखी दीदी इ लो चारों जानी धीरे धीरे जोहत 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 जंगल में गई लोग, जंगल में गई लोग तो वही जसास बैठ के ओम नमः शिवाय के जाप करत रहली, रुद्राक्ष माला ले ले रहली हाथ में आ नमः शिवाय ध्यान लगौले रहली महादेव के। जब गई लोग तो लोग तो ना चीन पावे लोग काहे से तनी यंग हो गई रहली तनी जवान लागत रहली। फिर इनकर आँख खुलल वही जब बैठल रहे लो सिरफल के पेड़े के लगे आँख खुलल तो बूढ़ा देखली तो अपन लैकन के देखली तो चीन गली। देखी दीदी महतारी बाप के तनो बच्चा खराब कैले रहे महतारी बाप पिघल जाला। जब देखली तो लगली रोवे कि तह लोगन के दासा के कैले बा, अभी रोवे लगली खूब रोवे लगली कहली कि ए बेटा ये के कैले बा तह लोगन के दासा काहे तह लोग ऐसे घूमत रहलो। अरे रे माई जौन हमनी के तोहरे साथे कैनी के उहे हमार बच्चा हमनी के साथे कह दे। का कैलो लैका पतो चरण में गिर गैलो बूढ़ा के लगल माफी मांगे कि हे माँ हमनी के माफ कर दो अब तो बूढ़ा पाया गई बा तोहार आ माफ कर दो सब हमनी के कल जाए माई अब कबो हमनी के ऐसा नहीं कल जाए। हमनी के पता चल गई कि जौन हमनी के दूसरे के साथे गलत करेनी के वो गलती हमनी के साथे जरूर होई, यही से अम्मा अब कबो हमनी के गलती ना कल जाए। देखो आज सारे साथे गलती कैनी के तो यही से सजा मिलता महादेव हमनी के सजा देतनी आ हमनी के बच्चा हमनी के घर से बाहर निकाल दे सन। फिर का भइल बूढ़ा अपने बच्चन के लिया के गैली अपने घरे, कहली चल लो घरे चल लो घरे लिया के गैली दीदी। आ जब घरे लिया के गैली तो जौन उनका नाती आ नतनी नाती पतो रहे लोग नातियो रहलन आ उनकर बहुओ रहली बैठल रहे लोग। तो जब इ लोग के देखना लो तो उनका नाती कहत रहन दादी के जब देखना तो इनका नाती रोए लगना आ जाके अपने दादी के गोड़ में गिर गए ना कहना ए दादी हमरा के माफ कर दो, इ लोग तहरा के निकलले रहे लोग ना घर से बाहर उस सब हम देखले रहनी
एक वजह से हमऊ निकलनी ताकि ये लोग उनके समझ आवे कि जब केहू के बुढ़ापा आवेला तो आदमी के कैसन दुख बुझाला। यही से हमऊ ए लोग के घर से बाहर निकाल देनी, हमरा के माफ कर दादी। फिर बूढ़ा का कैली माफ कैली आ सब जानी घर भर मिल के शिव जी के शिष्य बन गए। शिव चर्चा में जाए लागल, भजन कीर्तन करे लागल। यही से कहल जाला दीदी जौन आप आगे से करब पीछे आपके मिली जरूर। यही से कबो गलती नहीं करे के चाहे, कबो केहू के सतावे के नहीं चाहे। बूढ़ पुरानिया बा, जब ले जिये था तब ले आशा बा, जब ले जिये तब ले ओकर सेवा पानी करे के चाहे। कबो करे खातिर बुरा ना सोचे के चाहे दीदी। तो ई कथा जौन बा शिव गुरु के चरण में विराम करे तनी, फिर अगले कथा में आप लोग से मिलब और अच्छा अच्छा कथा लेके आए। अगर हमार कथा आप लोग के अच्छा लागल हुई तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब करब, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे दीदी।